नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूं आप सबका श्रेष्ठ भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष के ऊपर और विस्तार में जानेंगे कि आखिर पितृपक्ष का महत्व क्या है, पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी क्रियाएँ और अनुष्ठान होते हैं, उन्हें करने का महत्व क्या है और जानेंगे पितृपक्ष के दौरान हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे पितृपक्ष के मुहूर्त के बारे में और इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य महेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पितृपक्ष क्या है और इसे मनाने का महत्व क्या है। पहले तो हमारे जो श्रेष्ठ भारत के जितने भी दर्शक हैं उनको हरिओम, जय माता दी। पितृपक्ष के विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज, जो हमारे को हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है वो पितरों के रूप में हमें मिले और हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधाएं, जो ऐश्वर्य हमको प्राप्त करना है उसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारे पितरों का आशीर्वाद और हमारे पितरों की जो कृपा है वो हमें प्राप्त हो और उसके कारण हम अपने जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि पितृपक्ष में हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहले ये समझना ज़रूरी है कि पितृपक्ष जो हमारे को ये जो अभी अगले महीने ये भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी अमावस्या तक, कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलेंगे, ये 15-16 दिन का रहता है और इसमें हम लोगों को मोस्टली हमारे जो संस्कार होते हैं, जो हमारे को पूर्वजों से जो हमें मिले हैं, जिसे कि हमको जो रीति रिवाज, हमको जो लोकाचार जिनको बोलते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। जैसे हर समाज के अंदर, हर जाति के अंदर अपने अपने कुछ नियम होते हैं, ठीक है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। खान पान जो हमारा है वो हमें शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। नॉन वेज वगैरह जो खाते हैं तो हो सकता है 15 दिन तक जो श्राद्ध पक्ष रहते हैं उसमें नॉन वेज का उपयोग नहीं करें और जैसे हमारे स्नान, ध्यान और तर्पण, पिंडदान जिनकी पूजा होती है, जैसे गया जी में भी होती है, हरिद्वार में भी होती है और त्र्यंबकेश्वर में भी होती है और आंध्र प्रदेश में जो हमारे वेलूर जगह है वहाँ पर भी होती है। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए पितृपक्ष में कि शुद्ध सात्विक और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसमें कुछ नियम है जैसे कि नाखून वगैरह हो गया और नाखून नहीं काटने चाहिए और साबुन वगैरह का उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। इसके साथ हमको हमारे जो दैनिक दिनचर्या है उसमें हमको झूठ और किसी तरीके की ऐसी कोई नकारात्मक क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे पितरों को किसी तरीके से हमको वो हमारे को जो हमें जो संस्कार मिले उसके प्रति उनको लगे कि हमारी जो संतान है वो सकारात्मक जीवन नहीं जी पा रही। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को और मतलब विस्तार से इसके बारे में बताएं कि पितृपक्ष हर स्टेट में अलग तरीके से मनाया जाता है, तो किस तरीके से हर जगह के लोग अलग अलग तरीके से इसका। देखिए, हमारे जो उत्तरी भारत है और दक्षिण भारत है तो मोस्ट ऑफ देम जो नियम है वो सब समान है, ठीक है, लेकिन उसमें दो चीज़ें फ़र्क है। वहाँ जैसे दक्षिण भारत में जो लोग पितृपक्ष का जो नियम है उनका, उन नियमों के अंदर उनके जो विधि विधान है और हमारे जो उत्तरी भारत में है तो विधि विधान में थोड़ा बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क है, हाँ वो फ़र्क है कि भाई उनके जो जैसे कि द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनका अपना एक नियम है, उसमें जो हमारे शास्त्रोक्त जो विधि है वो शास्त्रोक्त विधि एक ही है लेकिन करने का जो तरीका है वो अलग अलग। किस तरीके उसमें तरीके से ये जैसे ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण के लिए बोला गया है कि हम जो पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन करवाएं, ठीक है, ब्राह्मणों को दान करें और जो श्रेष्ठ द्विज हैं, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जो वैदिक विद्या के जानकार हैं, जो कर्मकांडी होने के साथ सदाचारी जीवन जीते हैं, तो सदाचारी जीवन जीने वाले ब्राह्मण ही आपको सकारात्मक और सदाचारी जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। ये तो उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मिले और जो हमारे पूर्वज हैं उन पूर्वजों के प्रति हमारा समर्पण, वो श्राद्ध
श्रद्धा, यानी पितृपक्ष का मूल है श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। हम जिनके प्रति समर्पित हैं, जिनके प्रति श्रद्धावान हैं, उनको हम अपनी क्रिया विधि तर्पण पूजन उसके माध्यम से हम अपना कर्म करें। पंडित जी, मेरी एक जिज्ञासा और है कि हमने मतलब बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि पितृपक्ष के दौरान हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो ये बात किस हद तक सही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। देवताओं का अपना महत्व है, वो रेगुलरिटी रहती है, वो हमको अपने जो नियम है देवताओं के प्रति, जैसे कुल देवी हैं, कुल देवता हैं या हमारे पितृ देवता हैं, तो उनका एक विधान है। उस विधान के अंदर ऐसा शास्त्रोक्त कहीं नहीं लिखा गया कि आप ये सोचे, ये विचार करें कि भाई हम श्राद्ध पक्ष में देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कहीं शास्त्रोक्त नियम नहीं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि पितृपक्ष में कहा जाता है कि नाखून नहीं काटना चाहिए या बाल नहीं कटवाना चाहिए, तो इसके पीछे की वजह क्या है कि ऐसा करना क्यों अनिवार्य है? देखिए, इसमें नियम ये होता है कि हमारे शरीर में जो प्रक्रिया चल रही है हमारी, उस प्रक्रिया के आधार पे हमको अपने नियम, अपने सैद्धांतिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों में किसी तरीके का द्वेष नहीं, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे बाल बढ़ रहे हैं या नाखून बढ़ रहे हैं, तो अगर आप उनका खंडन करेंगे तो उससे आपकी जो दैनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में विघ्न आएगा। इसलिए नाखून और बालों का निषेध किया गया कि किसी तरीके से। दूसरा, जैसे झूठ बोलना, आप किसी के प्रति वैर भाव है, तो पितृपक्ष में मिटा के और सात्विक जीवन जीना चाहिए। और हमारे जो शास्त्रोक्त जो हमें नियम बताए गए हैं पूर्व, जैसे पितरों के लिए, जैसे कौवे को हम जो भोजन करते हैं, तो पहला ग्रास कौवे को दिया जाता है, दूसरा जो है हमारे गौ माता को दिया जाता है, तीसरा जो दरिद्र नारायण जो होते हैं उनको दिया जाता है, चौथा जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनको दिया जाता है, और ये कौवे निकाले जाते हैं भोजन से पूर्व। तो ये नियम जो बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन हमको करना चाहिए, और वो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव। क्योंकि श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का मूल उद्देश्य ये है कि आप जिस वृक्ष की टहनी है और वो आपके पूर्वजों के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि आपको निरंतर मिलती रही, उसमें किसी तरीके का कोई विघ्न नहीं आए। तो पंडित जी, जिस तरीके से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें पक्षियों का खास ख्याल रखना चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में हमसे मिलने आते हैं या आशीर्वाद देने आते हैं? देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु पहाड़ नदियाँ, इनका अपना महत्व है, ठीक है, ये भी हमारे से जुड़े रहे, इनका इनको दिया गया दान, इनके प्रति हमारी जो श्रद्धा भक्ति है, इनके प्रति जो हम अपना एक नियम जो बनाया हुआ है हमारे पूर्वजों का, तो वो जुड़ने से कहीं ना कहीं हम प्रकृति से भी जुड़ते हैं। पितृपक्ष में हमारे जैसे पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, पीपल का पौधा है वो लगाया जाता है, तो वो और पशु पक्षियों का, ये जो गौ माता जिसको हम हमारे सनातन धर्म में सबसे पूजनीय मानते हैं, तो गौ माता का ग्रास निकाला जाता है, कौवे का हम कौवे के रूप में हम मानते हैं कि हमारे श्राद्ध पक्ष में हमारे पितर आते हैं, तो वो उनका उनको दिया गया दान, उनके प्रति किया गया सेवा या समर्पण या उनके प्रति किसी भी तरीके का जो समर्पण है वो कहीं ना कहीं प्रभावी हो। अभी जैसे आपने कहा कि पितृपक्ष के दौरान पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो हमारे जो ऋषि मुनि थे जो सनातन धर्म को व्यवस्थित जीवन जीने की प्रेरणा देते थे, तो उनका ये मानना था कि हम प्रकृति से जुड़े रहें, ठीक है। पीपल का जो पौधा है वो जो पेड़ है वो ऑक्सीजन देता है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो हमारे पूर्वजों ने पहले ही ये उनको ज्ञान था इस बात का कि आप पीपल के पौधे लगाइए, बड़ के पौधे लगाइए, तो उसमें आपका एक प्राकृतिक सामंजस्य बनेगा, प्रकृति से जुड़े रहेंगे। और पूर्वजों के प्रति, जैसे हमारे पूर्वजों ने भी बहुत पौधे लगाए तो वो आज पेड़ बने हुए हैं, तो उनका जो जो
वातावरण में उनका जो जो जुड़ाव था वो हमारे जीवन में बहुत सहायक होता है हमारी सुख शांति ऐश्वर्य वैभव के लिए। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पितृपक्ष का शुभ मुहूर्त कब है और कब से शुरू हो रहा है पितृपक्ष। देखिए, पितृपक्ष जो हमारा है वो भाद्रपद पूर्णिमा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से शुरू होने वाला है और अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहेगा, तो इसमें ये 16 दिन तक का है। तो जैसे हमारे जो भी पूर्वज जिनकी मृत्यु हमारे इन तिथियों में हुई है, क्योंकि तिथियाँ हमारी पूर्व निर्धारित हैं प्रतिपदा से लेके अमावस्या और पूर्णिमा, तो इन तिथियों में जिन पितरों की मृत्यु हुई है उन तिथियों में उनका आह्वान करके, उनका पिंड दान करके, उनका तर्पण करके, उनके प्रति श्रद्धा दान और कर्म क्रिया जिसमें कि हमारी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तो वो हमें आशीर्वाद के रूप में हमें सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। पंडित जी, आपने इतनी गहरी जानकारी दी इस त्यौहार के बारे में, जो आपने जानकारी दी, जो साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की पंडित महेश जी से और विस्तार में जाना पितृपक्ष के बारे में। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।